राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे, आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। गीता ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता। प्रतिदिन गीता के पाठ से मिलते हैं अद्भुत लाभ। जान ले सही नियम। महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उसकी जीत को सुनिश्चित किया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आज केवल देश नहीं बल्कि विदेश में भी लोग गीता का पाठ करते हैं। ऐसे में यदि आपके घर में गीता रखी हुई है तो ऐसे में आपको कुछ खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए। भगवद गीता न केवल एक हिंदू धर्म ग्रंथ है बल्कि यह मनुष्य को जीवन के दुखों से उबारने का भी संदेश देती है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया था। इस ज्ञान के जरिए ही अर्जुन सही और गलत के बीच का अंतर कर पाए थे और अंततः युद्ध में विजय प्राप्त की थी। गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कर्म, नीति आदि राज छिपा है। इसके नियमित पाठ से जीवन की हर समस्या का हल किया जा सकता है। गीता पाठ करने के लाभ। धार्मिक पुराणों में माना गया है कि जिस घर में नियमित रूप से गीता का पाठ किया जाता है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव तो होता ही है, साथ ही जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होने लगती है। गीता के प्रतिदिन पाठन से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है जिससे वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता के पाठ को नियमित रूप से करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। गीता का पाठ करने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने का साहस आ जाता है। गीता का पाठ करने से गृह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति हो जाती है। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर हो जाता है। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। गीता का पाठ करने से ऊपरी बाधाओं की चपेट में आने से बचा रहता है। गीता का पाठ नियमित रूप से करने से मृत्यु के बाद पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का नियमित पाठ से बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। अगर गीता के पाठ के साथ साथ घर में यज्ञ करवाया जाए तो इससे वास्तु दोष का भी निवारण हो जाता है। गीता का पाठ अपने शत्रु को पराजित करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गीता के पाठ के प्रभाव से आपके शत्रु द्वारा आपके विरुद्ध रचे गए सभी षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। भगवद गीता के पाठ से घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। तो ये थे गीता का पाठ करने से बेमिसाल लाभ। गीता पाठ के नियम। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हमेशा स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही करना चाहिए। इसके बाद एक आसन पर बैठ जाएं और लकड़ी से बनी पूजा चौकी या काट पर रखकर गीता का पाठ करें। ध्यान रखें कि कभी भी जमीन पर या हाथ में रखकर गीता का पाठ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही गीता को हमेशा लाल कपड़े में लपेट कर रखें और पाठ के दौरान ही खोलें। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भगवद गीता का अध्याय बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा अध्याय पढ़ने के बाद ही गीता को बंद करें। ध्यान रखें ये नियम। गीता को घर में रखने और उसका पाठ करने से जुड़े कुछ नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस भी स्थान पर आप गीता रख रहे हैं वह स्थान एकदम साफ होना चाहिए। गंदे हाथों से बिना नहाए या मासिक धर्म में गीता का स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है। बस आपको अपनी स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना होगा। श्री राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।